अरे मार्केट निकले, थोड़ा को सामान खरीदना था घर के लिए। देखा चाट के ठेले पे एक भाई साहब खड़े हैं, खा रहे हैं गोलगप्पे, सब टपक रहा उनका पेट, ये निकला। हम रुक गए भाई साहब, हम कहे क्या हाल चाल भाई साहब, ठीक है गोलगप्पे खा रहे हैं? यार मन किया आज उनके गोलगप्पे खाइए जाए। हम कहे आपने जूते कौन कलर के पहन रखे हैं, बजाय ऐसे देखने के ऐसे देख रहे हैं। हम कहे भाई साहब पेट कम करो, पेट देख रहे हो कहाँ जा रहे हो, इसको कहते हैं बेली फैट। ये एक ऐसी समस्या है तो जिसको देखो उसको फैट बढ़ रहा है, बहुत से लोगों को बेली फैट ना ज्यादा बढ़ जाता है, चल रहे हैं चला नहीं जा रहा है, इतना ज्यादा बेली फैट हो गया। उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जब भी कभी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आ जाएगा आपके पास, इसीलिए कहते हैं बेल आइकन जरूर दबाएं। भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमको अच्छा लगेगा, वीडियो बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं और आपको पसंद आएंगे इसीलिए हम बनाते हैं, और ऐसी चीजें बताते हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, कोई दवाई नहीं कोई कुछ नहीं। तो चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं वेली फैट। दोस्तों बेली फैट पेट के आसपास जमा अत्यधिक चर्बी को कहा जाता है, पेट बढ़ जाता है। यह न केवल दिखने में खराब लगता है बल्कि कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। बढ़ा हुआ पेट, कमर का बढ़ना, कमर कमरा हो जाना, कठोर पेट, मोटे कपड़े ढीले लगना, कारण क्या होता है? अत्यधिक कैलोरी खपत। जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक कैलोरी की खपत करते हैं, कैलोरी लेते हैं, तो शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को फैट के रूप में जमा कर देता है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय होने के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और फैट बढ़ने लगता है। खाद्य पदार्थ ऐसे जिसमें तला भुना खूब मिला है, चीनी सोडा जैसी चीजें बेली फैट को और बढ़ाती हैं। तनाव, तनाव के दौरान शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स का उत्पादन करता है जो फैट को, या कहें फैट के भंडारण को बढ़ावा देता है। कुछ लोगों में बेली फैट होने का खतरा अधिक होता है जो आनुवंशिकी कारण से होता है। नींद की कमी, ग्रेलिन नामक भूख का हार्मोन्स, इसके स्तर को बढ़ जाता है जिससे अधिक खाने की इच्छा होती है, बार बार खाने का मन होता है। जब देखो जा रहे हैं कहीं, यार डॉक्टर साहब भूख लगी, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब कुछ खाया जाए। बेली फैट हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। बेली फैट टाइप 2 मधुमेह के खतरे को बढ़ाता है। बेली फैट कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। बेली फैट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, गैलबैडर रोग, डिप्रेशन से भी जुड़ा हुआ होता है। बेली फैट से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फल और सब्जियां, साबुत अनाज और हल्का प्रोटीन खाएं, नियमित एक्सरसाइज करें। 7 दिन में अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और अन्य तनाव बचाने के कारणों का इस्तेमाल करें। हर रात 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए। धूम्रपान तो बिल्कुल मत करें, ये समस्याओं को बढ़ाता है जिसमें फैटी लीवर भी शामिल है। फैटी लीवर को कम करने के लिए कैलोरी की मात्रा कम करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कैलोरी की खपत करें, नहीं ज्यादा भैया मार्केट की चीजें खाना बंद कर दो, घर की बनी हुई चीजें खाओ, ज्यादा घी तेल चिकनाई कम करो, नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करो। 7 दिन में कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए अपनी शक्ति का परीक्षण करते रहें, एक्सरसाइज करें, शक्ति को पहचानें अपनी। हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए हृदय संबंधी व्यायाम करें, बहुत सी ऐसे एक्सरसाइज होती हैं जो हार्ट को मजबूत बनाती हैं। अच्छी नींद लें, रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको गांठ बांध लीजिए। योग, ध्यान और
म्यूजिक सुने, इससे आपको तनाव कम होगा। बैली फैट कम करने के लिए, देखो बैली फैट कम करने के उपाय तो हम बता सकते हैं आपको, लेकिन बहुत कठिन होता है। पेट की चर्बी कम करना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये ना केवल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिसके मदद से अगर आपको इनसे बचना है, बैली फैट से बचना है, तो इसका आप सेवन करें। नंबर एक, प्रोसेस्ड फूड से बचें। फास्ट फूड, पैकेट फूड और जंक फूड, इनसे आपको बचना है। चीनी का प्रयोग कम से कम करें। मीठे पेय पदार्थ, मिठाइयां और अन्य मीठे पदार्थ का सेवन तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा पिए। हम हर वीडियो में अपने बताते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पानी ज्यादा पिए। गर्मी आ रही है, कम से कम 4 लीटर। वजन कम करने के लिए आपको अपनी कैलोरी का सेवन भी कम करना पड़ेगा। कम से कम कैलोरी खाएं जो आपके लिए लाभदायक हो। पिछले वीडियोस में हमने बहुत से वीडियो में बताया है कि कैलोरी कैसी हमें खानी है, कितनी खानी है। दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना या आप डांस कर सकते हैं। एरोबिक डांस बहुत से लोग करते हैं आजकल, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाता है, शरीर भी आपका स्वस्थ रहता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए योग जरूरी है। योगासन वजन कम करने में और तनाव कम करने में हमारी बहुत मदद करता है। तनाव कम करें। तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान या म्यूजिक का आनंद लें। तनाव रहेगा तो आपके परेशानियां कम नहीं होंगी। एक ही परेशानी नहीं, बैली फैट कई बीमारियों का जनक होता है, इसलिए तनाव बिल्कुल ना पालें। सिगरेट कतई न पिए। नहीं, पिछले लखनऊ हो गए थे, लड़कियां सिगरेट पी रही थी, वो तो हमने आपको सुनाया था संदर्भ में, उस संदर्भ में वीडियो में बताया था आपको। लड़कियां शराब पीने छोड़ दो भैया। हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं जिससे पेट की चर्बी को कम करने में या बैली फैट को कम करने में आपकी मदद होगी। हल्दी, हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट की चर्बी कम करने में आपकी मदद करते हैं। दालचीनी, दालचीनी ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है, जो पेट की चर्बी को कम करने में भी हमारी मदद कर सकता है। अदरक पाचन को बेहतर बनाने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। सबके घर में अदरक मिलेगी, सबके घर में वो मिलेगा दालचीनी, और सबके घर में मिलेगी हल्दी। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पेट की चर्बी रातों रात कम नहीं होती। आपको इन उपायों को नियमित रूप से करना होगा और आपको धैर्य रखना होगा। इसके अलावा अगर कुछ परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा कोई तकलीफ है, तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें। घरेलू उपाय हम आपको डॉक्टरी नहीं बताते, हम आपको घरेलू उपाय बताते कैसे आप इनको घरेलू चीजों को अपना के आप अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, निर्धारित करने के लिए आपको एक अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप खान पान कर रहे हैं, उसकी प्रगति पे एक अपनी निगाह रखें। हम किस प्रकार उसका सेवन कर रहे हैं, अपने जो बताया गया, कितना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना हम कैलोरी ले रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी भी हो और हमें नुकसान भी ना करे। तली भुनी चीजें, बाहर की चीजों से आपको बचना है। घर में बनी हुई चीजें खाइए। मोटे अनाज का प्रयोग करिए। कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज 7 दिन में, अपने लिए 10 मिनट आधा घंटे का समय निकाल लीजिए, आधा घंटे में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। रोज रोज आपको एक काम जब आप रोज करने लगेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, इससे आपके बैली फैट के अलावा पूरे बॉडी में आपको फर्क नजर आएगा। केवल 1 महीने आप सात्विक भोजन का हमने एक आपको तरीका पहले बताया, आज भी बता दे रहे हैं। सूर्योदय से लेके अगले 2.5 घंटे तक हमारी अग्नियां तीव्र होती हैं। इसमें आप जो भी खाएंगे सब हजम हो जाएगा। अगर आपको कहीं जाना है, आप वर्किंग करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं, तो कोशिश करिए कि सुबह जो सूर्योदय होता है अगले 2.5 घंटे तक आप जितना खा पाए खा लें, क्योंकि आपको दिन भर वर्क करना है, वो सब सही हो जाएगा। दोपहर का उसका आधा, सुबह वाले का आधा, और शाम का सूर्य अस्त होने के पहले अपना भोजन कर लीजिए, दोपहर का आधा हल्का भोजन करें।
शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, कहीं आपकी कोई चर्बी नहीं रहेगी। एक्सरसाइज करें, म्यूजिक सुने और तनाव बिल्कुल मत लें। पेट सबके नहीं बढ़ता है, लेकिन जिनके बढ़ता है फिर समय। एक तो आज एक हमारे पास सज्जन आए, बोले कि डॉक्टर साहब हमने थायराइड की जांच कराई, थायराइड तो नॉर्मल निकला लेकिन पेट बहुत आगे बढ़ गया। हमके भैया खाइयो, तुम आराम करेंगे आप, पेट क्या हमारा बढ़ेगा? खाइए, उसको निकालिए। पहले क्या था, लोटा लिया, 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर आए, हो गया काम। अब घर इधर से घुसे निकले उधर घुस गए, चलना फिरना तो होता नहीं है। एक्सरसाइज जरूर करिए, एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको दिक्कत आएगी। आप साइकिल चलाइए, नहीं साइकिल चला सकते योगा करिए, प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम आपके मानसिक विकास के लिए है, प्राणायाम में बहुत ताकत है। आप उसका उसको अपना के देखिए, आपको आनंद आएगा। कपालभाती करिए, कुछ थोड़े बहुत योगासन आप करिए, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक भैया जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम हैं। बढ़ा दीजिए तो हमको भी अच्छा लगेगा। आपको ज्ञान देना हमारा काम है, जो आपको नहीं मालूम वो हम बताते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ हम अगड़म बगड़म बताते हो, आपको बताते वही चीज जो आपके लिए फायदेमंद है। हम आपको बता दें, हमने बैंड खरीदा, बैंड हम रखते हैं अपने लिए, अपने पास। अभी सैमसंग का एक फिट 3 आया है, इसका परीक्षण चल रहा है, बहुत ही जल्द हम आपको इसका एक रिव्यू देंगे। फिटनेस बैंड है, कितनी नींद हुई आपकी, कितना आप चले, कितना आपने पानी पिया, ये सब बताता है। हमारे पास पहले था एक अमेज फिट का, अभी एक लेटेस्ट आया नया, तो हम कह चलो लेटेस्ट ले लिया जाए, क्योंकि फिटनेस के लिए लेना है हमें, कौन सा मैं बहुत ज़्यादा काम करना है। तो इसका भी वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे और आपको पसंद भी आएगा, तो उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।